गरीब के स्वाभिमान को हम समझते हैं। इन तीन महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। इसी तरह 20 करोड़ गरीब माताओं बहनों के जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए। स्वागत है आप लोगों का जनधन खाता के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। आज आप लोगों को बताते हुए काफी खुशी हो रही भाई बहनों कि अगर आप लोगों का भी एक जनधन खाता है तो आपको आपके जनधन खाते में पूरे 6,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। भारतवर्ष में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को भारत सरकार उनके जनधन खाते में पूरे 6,000 रुपए देती है। अगर आप लोग भी सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, जिसमें आज आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आवेदन करने के बाद आपको आपके जनधन खाते में पूरे 6,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। भाइयों बहनों आपको बता देना चाहते हैं, भारत सरकार ने हमारे देश के जितने भी गरीब वर्ग के भाई बहन हैं उन लोगों के लिए कई बड़ी सरकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत जो लोग भी जनधन खाता धारक हैं उनको उनके जनधन खाते में 6,000 रुपए की धनराशि भारत सरकार ने भेजना चालू कर दिया है। आपको भी आपके जनधन खाते में पूरे 6,000 रुपए की धनराशि मिल सकती है। आप लोगों को बस एक आवेदन करना है और कुछ आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। हम आप लोगों को पहले ही साफ कर देना चाहते हैं, यह वीडियो आप लोग तभी देखिएगा जब आप लोग किसी तरीके की सरकारी नौकरी में ना हो। अगर आप लोग सरकारी नौकरी करते हैं और अपने जनधन खाते में पूरे 6,000 रुपए की धनराशि चाहते हैं तो भाइयों बहनों हम आपको बता दें, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये पैसा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो लोग गरीबी रेखा में आते हैं, जैसे बाल काटने का काम करते हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को बस एक आवेदन करना है, आपका एक जनधन खाता होना चाहिए और भारत सरकार सीधे आपके जनधन खाते में आपको पूरे 6,000 रुपए की धनराशि देगी। आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक जनधन खाता होने पर आपको 6,000 रुपए मिलेंगे, चाहे उसमें एक भी रुपया ना पड़ा हो। आज आपको हम बता देना चाहते हैं भाई बहनों, भारत सरकार ने हमारे देश के जितने भी गरीब वर्ग के भाई बहन हैं उन लोगों के लिए कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत की है और हमारे देश के जितने भी गरीब वर्ग के भाई बहन हैं वो उस सरकारी योजना के तहत कई फायदाएं उठा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें भारत सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। जो लोग भी गरीबी रेखा में आते हैं उनको दिवाली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिसमें हर गरीब वर्ग के परिवार के लोगों को 5-5 किलो अनाज बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। और अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है, खुद का घर नहीं है, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बस एक आवेदन करना है, जिसके बाद आपको भी एक खुद का मकान दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। इसके आवेदन जल्दी चालू होने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ सरकारी योजना के बारे में खबर लाई जाती है। आज आपको हम बता देने आते हैं भाई बहनों, भारत सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी सरकारी योजनाओं में से एक योजना यह है कि जनधन खाता आपका होना चाहिए, जिसमें आपको सीधे 6,000 रुपए की धनराशि भारत सरकार भेजेगी। हम आपको बता देने आते हैं कि भाई बहनों आपको एक आवेदन करना होगा, बिना आवेदन किए आपको कभी भी कोई भी सरकारी योजना का फायदा जिंदगी में भी नहीं मिलेगा। अगर आपको फ्री मकान चाहिए, फ्री राशन चाहिए, आप लोगों को सिर्फ एक आवेदन करना होता है, जिसके बाद आपका नाम सरकारी योजना की लिस्ट में जुड़ जाता है और आप लोगों को फ्री में हर सरकारी योजना का फायदा मिलता है, जिसमें आपको जनधन खाते में आपके रुपए भारत सरकार भेजती है, फ्री में मुफ्त में अनाज देती है। इसी के साथ आपको बता दें, फ्री में मुफ्त में आपको मकान मिलेगा भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। और इसी तरीके की कई सरकारी योजनाएं आती हैं भाई बहनों, जिसके बारे में आप लोग अगर अप टू डेट रहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल पर सिर्फ सरकारी योजनाओं के बारे में खबर लाई जाती है। चलिए अब आपका हम समय नष्ट नहीं करेंगे, आपको हम बताएंगे कि कैसे एक आवेदन आपको करना है, जिसके बाद आपको सीधे आपके जनधन खाते में मिलेगी पूरे 6,000 रुपए की धनराशि। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिए कि आपके पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो दस्तावेज होना चाहिए भाई बहनों, वो एक जनधन खाता होना चाहिए। किसी सरकारी बैंक में अगर आपका खाता नहीं है तब आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आपका जनधन खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। भारत सरकार ने कई बार निर्देश जारी किए, कई बार लोगों को जानकारी दी कि आपका अगर किसी भी बैंक में खाता है, कृपया करके आप लोग अपने जनधन खाते को आधार कार्ड से लिंक करा लें। तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये याद रखना है कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से अटैच होना चाहिए। अगर आपने अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को अटैच नहीं कराया है तब भी आपको ये 6,000 रुपये आपके धनराशि आपको आपके जनधन खाते में नहीं मिलेगी। अब आपको हम बता देना चाहते हैं भाई बहनों, भारत सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी सरकारी योजना है, जिसका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत आप लोग अगर आवेदन कर देंगे, आप लोग किसान हैं, आप लोग गरीब वर्ग में आते हैं, आपको सालाना 6,000 रुपए की धनराशि भारत सरकार सीधे आपके जनधन खाते में भेजना चालू कर देगी। इसके अंतर्गत हमारे देश में 12 करोड़ किसान भाइयों को सीधे भारत सरकार भेजती है पूरा
6,000 रुपए की धनराशि 4-4 महीने पे करके 2-2 हजार रुपए करके भारत सरकार देती है। सालाना 6,000 रुपए में 3 हिस्सों में ये पैसे बांट के भारत सरकार 2-2 हजार रुपए की किस्त देती है। आपके चाहे जनधन खाते में 1 भी रुपया ना पड़ा हो, आप लोगों को सालाना 6,000 रुपए मिलेगा अगर आप लोग किसान वर्ग में आते हैं। तो भाइयों बहनों, PM किसान.gov.in पर जाकर आप लोगों को सिर्फ एक आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद आपको सीधे आपके जनधन खाते में 6,000 रुपए मिलना चालू हो जाएंगे। ऐसे ही हर सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। भारत माता की जय।